الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کرے. الکیس من دان نفس وعمل لما بعد الموت. کئیس کے معنی ہے عقل مند، سمجھدار، ہوشیار. عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں کا ذخیرہ کرے اور مرنے کے بعد شروع ہونے والی زندگی کی تیاری کرے. ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حالات سے گھبرا کر، مصائب سے تنگ آ کر کبھی موت کی تمنا مت کرو. بعض مرتبہ آدمی حالات سے گھبرا کر، مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرتا ہے، اور تمنا کرنے سے تو موت آتی نہیں، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے. اور جب تمنا کرنے سے موت نہیں آتی تو پھر تاپی میں جا کر، کوزوے میں جا کر گسکا بھرتا ہے اور خودکشی کرتا ہے، یا پنکھے سے لٹک کر کے بندہ بنا کر کے اپنے گلے میں ڈال کر کے خودکشی کرتا ہے. خودکشی کرنا حرام ہے شریعت میں، اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے جو ہمیں جان دی ہے ہم اس جان کے مالک نہیں، نہ ہم اس باڈی کے مالک ہیں اور نہ اس میں جو روح ہے اس روح کے مالک ہیں. ہم اپنے اعضاء کو بیچ دیں، ہم اپنے اعضاء کو اور ہم جو ہے وصیت کریں اور دان کر دیں، آنکھوں کا صدقہ کر دیں، گردے جو ہے دل ہیں اور سمجھے جو ہے، جائز نہیں ہے شریعت، اس لیے کہ ہم اپنے کسی عضو کے مالک نہیں. کیا ہم بازار سے خرید کر کے لائے ہیں گردے؟ کیا ہم نے یہ آنکھیں اور ہم نے یہ اور سمجھے سماعت اور یہ گویائی ہم نے کہیں سے حاصل کی ہے؟ اور جب نہیں حاصل کی ہے تو ہم اس کے مالک نہیں. یہ رب العالمین نے ہمیں امانت کے طور پر یہ چیزیں عطا فرمائی، لہذا آپ کو اسی جگہ استعمال کر سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے، اور اگر غلط جگہ اگر آپ نے آپ کو استعمال کیا، یہ امانت میں خیانت ہوئی. اللہ نے جو آنکھ دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ آپ اس آنکھ کے ذریعے سے گناہ کمائیں، اللہ نے یہ آنکھ اس لیے دی ہے تاکہ آپ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کریں، آپ ہر سمجھے جو ہے ماں باپ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، تو
बहरहा हम अपने बदन की किसी चीज के मालिक नहीं, न रूह के मालिक हैं, न जान के मालिक हैं, जान और रूह एक ही चीज, न हम जान के मालिक हैं, न बदन के किसी और अज्व के मालिक हैं, इसलिए खुदकशी करना जायज नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कभी मौत की तमन्ना मत किया करो। जब आदमी मौत की तमन्ना करता है मसाइब से घबरा कर, हालात से तंग आकर, और फिर जब मौत नहीं आती है तो आदमी समझे गलत कदम उठाता है और खुदकशी करता है। क्या तुमको यकीन है कि खुदकशी करने के बाद और मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी वो दुनिया की समझे मुसीबतों से अच्छी होगी? मरने के बाद भी चैन नहीं आया तो फिर किधर जाओगे? इसलिए समझे हदीस में फरमाया गया कि कभी कोई मौत की तमन्ना न करे। एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं मुझे इतनी तकलीफ है, बीमार थे बेचारे, मुझे इतनी तकलीफ है कि शायद सहाबा में किसी को इतनी समझे जो है तकलीफ हो। लोहा गर्म करके दागा जाता था बदन पर, तो उस जमाने का देहाती इलाज था, इसके अलावा कोई उस बीमारी का इलाज ही नहीं था। समझे जो अगरचे उस जमाने में सुन करने वाली दवा मिलती थी और होती थी, आज जैसे सुन करने की दवाई होती है वैसे इंजेक्शन तो नहीं होते थे लेकिन दवाई होती थी, तो पहले वो दवाई सुन करने की जिससे चमड़ी सुन हो जाए वो लगाई जाती थी, फिर लोहा गर्म करके दागा जाता था, लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता था तो माहिये बे आप की तरह जो है वो तड़पता था आदमी। और फरमाते 7 मरतबा मेरे बदन को दागा गया है, मैं इतना समझे तंग आ गया हूँ जिंदगी से और इस बीमारी से कि अगर मौत की तमन्ना करना जायज होता तो मैं मौत की तमन्ना करता, लेकिन नबी पाक सल्लम ने मौत की तमन्ना करने से मना फरमाया। और इसलिए मना फरमाया कि जितनी जिंदगी दराज हो अच्छा है, हो सकता है कोई नेक अमल आपके जरिए से अल्लाह किसी वक्त किसी ऐसे अमल की तौफीक दे दे कि जो अल्लाह को पसंद आ जाए, और उस समझे एक अमल की वजह से तुम्हारा बेड़ा पार हो जावे और समझे तुम्हारी मगफिरत हो जाए। इसलिए हदीस पाक में फरमाया गया कि कभी मौत की तमन्ना मत किया करो मसाइब से घबरा कर, हालात से तंग आकर, बल्कि अल्लाह से आफियत मांगा करो। हर वक्त अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करो कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी आफियत अता फरमा और आखिरत में भी समझे आफियत अता फरमा। इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं, अल्लाह दुनिया और आखिरत में आफियत दे दे तो और क्या चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। एक सहाबी बीमार थे, एक मुद्दत से बीमार थे, नबी पाक सल्लम उनकी बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए तो देखा नबी पाक सल्लम ने कि उन सहाबी का हाल ये था कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा रह गया था, जैसे परिंदे का चूजा होता है, छोटा बच्चा चूजा होता है, ऐसे कमजोर हो गए थे बिल्कुल, यूं कहना चाहिए कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। नबी पाक सल्लम ने उनकी हालत देखी तो आप सल्लम को भी उनके हाल पर रहम आया। नबी पाक सल्लम ने उन सहाबी से पूछा क्या तुम कोई दुआ करते हो? ये पूछा क्या तुम कोई दुआ करते हो? वो सहाबी कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल, मैं एक दुआ करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे जो सजा देनी है दुनिया में दे दे, आखिरत में मुझे सजा ना दे, मुझे जो सजा देनी है दुनिया में समझे मेरे आमाल बद की मुझे दुनिया ही में सजा दे दे। नबी पाक सल्लम ने उनको समझाया मोहब्बत और प्यार से और फरमाया भले आदमी कौन अल्लाह की सजा को बर्दाश्त करने की ताकत रखता है, ऐसी दुआ नहीं किया करते, बल्कि आप सल्लम ने फरमाया अल्लाह से आफियत मांगा करो और समझे
कि अल्लाह मुझे दुनिया में भी आफियत अता फरमा, आखिरत में भी आफियत अता फरमा। हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो आदमी खुश नसीब है जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल अच्छा हो, जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल अच्छा हो, और वो आदमी बदनसीब है कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसका अमल खराब हो। जितने दिन गुजरेंगे और जितनी अरसों, जितने अरसों के दिन गुजरेंगे नेकियों में और आमाल सालेहा में इजाफा होगा। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए किसी गजबे में, और एक दूसरे सहाबी का इंतकाल एक हफ्ते के बाद हुआ। दोनों के दरमियान एक हफ्ते का फर्क था। एक सहाबी एक हफ्ता पहले किसी मारके में काम आ गए और शहीद हुए, और दूसरे सहाबी एक हफ्ते के बाद अरसम ये जो है इंतकाल कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन अरसम ये जो है इसमें बेहतर है? साहबा ने कहा, वो जो शहीद होने वाले हैं वो बेहतर हैं। आप समझे, नबी पाक फरमाए, इन्होंने एक हफ्ता जो जाहिद नमाजें पढ़ी इसका क्या, उनसे ज्यादा एक हफ्ता इन्होंने जो जाहिद नमाजें पढ़ी और इन्होंने जो जाहिद अरस समझे हमारे सारे हा किए, ये कहां जाएंगे? आप समझिए, इसलिए आरा समझे इसमें फरमाया गया कि वो आदमी खुश नसीब है कि जिसकी जिंदगी लंबी हो और उसके आमाल अरसम ये जो है अच्छे हों। अरसम मोहतरम बुजुर्ग, हर सेकंड के गुजरने के साथ, हर सेकंड के गुजरने के साथ हमारी जिंदगी का एक लम्हा कम हो रहा है। एक सेकंड गुजरता है, गोया आरसम की जिंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है उसमें से एक सेकंड कम हो गया। एक मिनट जब गुजरता है तो हमारी जिंदगी का एक मिनट कम हो गया, और एक घंटा गुजरता है या एक दिन गुजरता है या एक महीना गुजरता है या एक साल गुजरता है, तो साल के गुजरने पर अफसोस होना चाहिए, रंज होना चाहिए, गम होना चाहिए, नहीं है कि आरा समझे सालगिरह मनाए। आजकल चल पड़ा है एक फैशन, आजकल आरा समझे एक रिवाज चल पड़ा है, सालगिरह मनाई जाती, क्या कहते हैं उसको, बर्थडे कहते हैं, बर्थडे कहते हैं अरसम जी जो है, उर्दू में उसको सालगिरह कहा जाता है। अरसम जी के साल अरसम जी जो है पूरा हुआ, मेरी उम्र का अरसम जी जो है सालगिरह उसको कहा जाता है उर्दू में। खुशियां मनाई जाती हैं अरसम जी, केक काटे जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, मिठाइयां तकसीम होती हैं, और पता नहीं क्या क्या खुराफात अरसम जी जो है होते हैं। ये अकल के अंधे हैं सब, जो खुशियां मनाते हैं वो अकल के अंधे हैं। उन्हें खुशी नहीं मनानी चाहिए बल्कि उनको मातम करना चाहिए और उनको रंज करना चाहिए कि जितनी जिंदगी अल्लाह के यहां से लेकर के आए थे उस मुस्तार जिंदगी में से एक साल गुजर गए। उम्र कम हो गई, उम्र बढ़ी नहीं, आ रहा समझिए खुशी इस बात पर नहीं, आ रहा समझिए साथ अरसम जी जो है, बल्कि ये जितनी जिंदगी लेकर के आए थे उसमें से अरसम जी जो है एक साल कम हो गया। इसलिए अरसम जी जो है हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजूल कामों में अपने वक्त को बर्बाद मत करो, जो आखिरत की तैयारी करनी है वो
वो रस्म जो है तैयारी कर लो, ये चंद रोजा जिंदगी है और ये चंद रोजा जिंदगी न मालूम कब खत्म हो जावे, रस्म जी कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा जो वक्त तुम फजूल कामों में लगाते हो वो काम तुम अच्छे कामों में भी लगा सकते हो। फजूल कामों से बचो और अच्छे कामों में अपनी अरसंज अवकात को सर्व करो। हारून रशीद के जमाने का एक वाकया है, इससे इबरत हासिल करें। वाकये इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि उन वाकयों से हम इबरत अरसंज हासिल करें। हारून रशीद के जमाने का वाकया है, बादशाह गुजरा है इमाम अबू यूसुफ के जमाने में। अरसंज इमाम अबू हनीफा के बाद हारून रशीद का जमाना है अरसंग जी। तो हारून रशीद के दरबार में एक साहब आए, हारून रशीद का दरबार लगा हुआ था, हारून रशीद के दरबार में एक साहब आए और आकर के कहने लगे कि मैं अपना एक कमाल दिखाना चाहता हूं, मैं अपना एक कमाल दिखाना चाहता हूं। हारून रशीद ने उसको कहा, दिखा क्या कमाल दिखाता है? तो उसने अपना कमाल दिखाया, दूर असमझे सुई को गाड़ा, सुई होती छोटी सी हमारे घरों में सुई, दूर असमझे उसने सुई को गाड़ा किसी जगह और फिर यूं करके तागा उसने जो फेंका तो सुई के नाके में से अरसम जी उसने पिरो दिया। यहां इतने दूर से अरसम जी जो हम सुई को हाथ में लेकर के यूं यूं अरसम जी करते हैं फिर भी अरसम जी जो है नहीं पिरो सकते, कितनी मर्तबा अरसम जी जो है कोशिश करने के बाद अरसम जी जो उसने दूर अरसम जी जो है सुई को खड़ा किया और फिर दूर से उसने तागा फेंका और वो तागा जो है सुई के नाके में से उसने पिरो दिया। अरसम जी ये कमाल अरसम जी उसने अपना दिखाया। हारून रशीद ने हुक्म दिया कि इसको 10 दीनार सोने की अशरफियां, इसको 10 दीनार दिए जाएं और 10 जूते मारे जाएं। यह हारून रशीद ने कहा कि इसको 10 जूते मारे जाएं और 10 अशरफियां अरसम जी जो है दी जाएं, सोने के सिक्के दिए जाएं। दरबारियों ने कहा, हुजूर वाला ये जो आप 10 दीनार देने का जो हुक्म दे रहे हैं 10 अशरफियां, ये तो समझ में आई बात कि ये उसने एक कमाल पैदा किया और समझे उसने मेहनत की और समझे जो है उसने एक हुनर दिखाया और समझे अपना कमाल दिखाया, उसका इनाम और समझे आप दे रहे हैं, लेकिन ये 10 जूते किस चीज का इनाम है और ये 10 जूते और समझे कि इसको 10 जूते मारे जाए। हारून रशीद की बात सोने के हरफों से लिखने के काबिल है। हारून रशीद ने कहा जितना वक्त इसने बर्बाद किया है इस सुई में तागा पिरोने में और जितने सालों तक मेहनत की होगी, वो कराटे सीखते ना और समझे जो है मेहनत करते, इस तरह उसने सालों तक और समझे मेहनत की होगी तब जाकर के और समझे जो है ये हुनर और ये कमाल उसमें पैदा हुआ होगा। हारून रशीद ने कहा इतना वक्त अगर अल्लाह की याद में सर्व करता ये शख्स तो आज ये अपने जमाने का वली होता। ये हारून रशीद ने कहा अगर ये शख्स जितना वक्त इसने बर्बाद किया इस फजूल काम में अरसूल जी जो अगर इतना ही वक्त अगर ये नेक काम में लगाता तो अरसूल जी आज ये अरसूल जी जो है विलायत में कहीं से कहीं अरसूल जी जो है पहुंचा हुआ होता। बहरहाल इस वाकये से ये इबरत हासिल करनी हमें कि फजूल काम जो है उसमें अपना वक्त बर्बाद न करें, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो ये मुस्तार जिंदगी दी है, चंद रोजा जिंदगी दी है अरसंग, उसको अरसंग जो है आखिरत की तैयारी में अरसंग सर्व करें। वक्त निहायत कीमती चीज है। आज हमारे मुआशरे में
सबसे ज्यादा बेकीमत कोई चीज है तो वो है। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि आज हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा बेकीमत कोई चीज है तो वो वक्त है। दुश्मनान इस्लाम ने मुसलमानों को राह रास्ते से हटाने के लिए एक खिलौना ईजाद किया और वो खिलौना हमें दे दिया मोबाइल की शक्ल में। जिस किसी को देखो बस उसी में मगन है और उसी में, हालांकि दो पैसे का कोई फायदा नहीं, गेम खेले जा रहे हैं और मुझे जो है क्या मिलेगा इस गेम के लिए। अगर इतना ही वक्त जितना वो मोबाइल के पीछे सर्फ कर रहा है, काश तिलावत में सर्फ करता, काश दुरूद शरीफ के पढ़ने में आरव समझे सर्फ करता, तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता आरव समझे जितना वक्त आरव समझे हम बर्बाद करते हैं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों आरव समझे जो है, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए अपने औकात की कदर की, और अल्लाह आपको भी आरव समझे तौफीक अता फरमाए।